चलिए जी, रिकॉर्डिंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स, आप देखते हैं फर्स्ट इसके अंदर क्या है। रिकॉर्डिंग पेमेंट्स एंड मनी रिसीव, पहले ये बात करेगा कि पैसे रिसीव जो होते हैं वो किस तरह रिकॉर्ड होते हैं, फिर ये बात करेगा कैश पेमेंट होती है वो किस तरह रिकॉर्ड होती है। ठीक है, दो अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे। सबसे पहले लिखे रिसीट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स एंड फ्रॉम कस्टमर्स विदाउट क्रेडिट अकाउंट्स। तो बिजनेस रिसीव मनी फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स हु आर पेइंग इनवॉइसिस एंड फ्रॉम कस्टमर्स हु डू नॉट हैव अ क्रेडिट अकाउंट। फ्रॉम अकाउंटिंग परस्पेक्टिव देर इज एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन रिसीट एंड क्रेडिट कस्टमर्स एंड रिसीट फ्रॉम कस्टमर विदाउट अ क्रेडिट अकाउंट। ठीक है, तो दो अलग अलग यहाँ पे चीज़ें की डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं। रिसीट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर से क्या मतलब है, जिनका हमने पहले रिसीवेबल बनाया हो। ठीक है, तो दीज हैव टू बी रिकॉर्डेड जस्ट इन द नॉमिनल लेजर बट ऑल्सो इन द इंडिविजुअल अकाउंट ऑफ द कस्टमर। जैसे हमने रिकंसिलिएशन वाला लेक्चर आपने देखा है, उसमें हम लिस्ट ऑफ बैलेंसेज में भी रिकॉर्ड करते हैं और कंट्रोल अकाउंट में भी रिकॉर्ड करते हैं, दोनों चीज़ों के अंदर। ठीक है, लेकिन जिनका क्रेडिट अकाउंट नहीं होता, जिनको हम उधार पे नहीं बेचते, तो ये क्या ट्रीट होते हैं, एज अ क्रेडिट, एज अ कैश सेल। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे सेल होती है लेकिन कैश पे होती है, स्ट्रेट अवे कैश हमें मिल जाती है। एक सेकेंड, सही है। तो दो यहाँ पे बातें कर रहे हैं, एक क्रेडिट सेल की, एक कैश सेल की। ठीक है, तो क्रेडिट सेल हैव ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड इन द मेन लेजर। When a credit customer eventually pays, accounting records have to be updated to show that customer has paid. मतलब कि दो एंट्रीज आपको मैं बताई थी, आपको याद होगा, एक तो जब रिसीवेबल क्रिएट होता है, एक वो जब हमारे पास कैश एक्चुअली मिल जाता है, राइट। ये दो एंट्रीज याद होंगी आपको। उसके बाद चेकिंग रिसीट्स अगेंस्ट रेलिवेंट सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब कि ऑब्वियसली हर केस पे हमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करनी पड़ती है। ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। ये चीज़ हम पेटी कैश में भी देखेंगे क्योंकि वहां पर भी हमें हर काइंड की डॉक्यूमेंटेशन एक दूसरे से रिकनसाइल करनी पड़ती है। ठीक है, व्हेन अ बिजनेस रिसीव मनी फॉर कैश सेल द अमाउंट रिसीव्ड हैज टू बी चेक्ड टू मेक श्योर दैट ऑल मनी इज देयर। द टोटल वैल्यू ऑफ रिसीट इन नोट्स एंड कॉइन्स एंड क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड शुड बी कैलकुलेटेड सेपरेटली टू गेट दीज थ्री सेपरेट टोटल्स। द टोटल वैल्यू ऑफ रिसीट्स बाय चेक एंड क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड इज फाउंड बाय गोइंग थ्रू चेक्स एंड क्रेडिट डेबिट कार्ड वाउचर वन बाय एडिंग अप टू द टोटल वैल्यू। तो बेसिकली इसमें कर क्या रहे हैं हम, कि चेक करें कि एक्चुअली जो हमें कस्टमर से रिसीट मिली है, जो पैसे हमें रिसीव हुए हैं, क्या वो एक्चुअल जो डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे कि डिपॉजिट स्लिप हो सकती है, चेक हो सकता है, डेबिट कार्ड की स्टेटमेंट हो सकती है, उससे इक्वल कर रहा है या नहीं कर रहा। सही है, तो इसकी डिस्कशन है यहाँ पे। उसके अलावा ये रेमिटेंस लिस्ट है, बेसिकली ये वही चीज़ है जो हमने पढ़ी थी पहले, रेमिटेंस एडवाइस। ठीक है, तो व्हेन रेमिटेंस इज व्हेन मनी इज रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स, इट इज इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ईच रिसीट इज प्रॉपरली रिकॉर्डेड। अ कॉमन मेथड ऑफ डूइंग दिस इज टू स्टार्ट बाय प्रिपेयरिंग अ रेमिटेंस लिस्ट और कैश रिसीव लिस्ट। अ रेमिटेंस लिस्ट इज सिंपली अ लिस्ट ऑफ ईच रिसीट विद डिटेल ऑफ हु द मनी हैज कम फ्रॉम एंड अमाउंट ऑफ द रिसीव। मतलब कि एक तरह से रेमिटेंस एडवाइस वाली चीज़ है ये, कि ये हमें बताता है कि किस किस चीज़ की हमें पेमेंट मिल गई है और कब कब ये आई है, किस किस गुड की हमें पे हुई है ये। ठीक है, वो आई होप आपने जो टॉपिक है पहले समझा होगा जब हमने पढ़ा था। इस तरह की रेमिटेंस लिस्ट जो है वो नजर आती है। ठीक है, कि इन इन कस्टमर से जो है, थोड़ी सी डिफरेंट है ये रेमिटेंस एडवाइस से, क्योंकि रेमिटेंस एडवाइस में हम ये लिखते हैं कि कौन से गुड्स की पेमेंट हुई है, किस टाइम पे हुई है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कौन से कस्टमर ने पेमेंट की है, उसका अकाउंट नंबर क्या है, अमाउंट कितनी रिसीव हुई है उसे। ठीक है, तो रेमिटेंस लिस्ट माइट ऑल्सो बी ड्रॉन अप बाय स्मॉल बिजनेस दैट डज नॉट हैव अ कैश रजिस्टर बट रिसीव मनी फ्रॉम कस्टमर थ्रू द कोर्स ऑफ ईच डे। हर दिन जिसको पैसे मिलते हैं कस्टमर से, वो भी रेमिटेंस लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक आपको क्लियर है, कोई इश्यू तो नहीं है? ओके, ठीक है। अब ये एक एग्जाम्पल भी है, आई डोंट थिंक ये एग्जाम पर्पस के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, बट आप एक दफ़ा इसको पढ़ सकते हैं जब भी आप रिवाइज कर रही हो। ठीक है, हम डायरेक्टली यहाँ पे किट क्वेश्चंस पे जाएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल में ना यहाँ पे कॉन्सेप्ट पर समझाया होता है, एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन जो है वो बुक में कभी भी आई डोंट थिंक आते हैं यहाँ पे। सही है, अच्छा मुझे जस्ट 2 मिनट दें। सही है, 2 मिनट की एक्चुअली ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आई थिंक इशू आ रहा है यहाँ पे लैपटॉप में।
ओके जी, आपको आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है? कोई इशू तो नहीं आ रहा? अभी आवाज़ क्लियर है? काइंडली कंफर्म कर दें। अच्छा, बैकग्राउंड से कोई शोर तो नहीं आ रहा ना आपको? ये भी कंफर्म कर दें। पीछे से बैकग्राउंड में से शोर तो नहीं आ रहा माइक में से? ओके ओके ओके, ठीक हो गया। चलें, अब बेसिकली नेक्स्ट देखते हैं। इसके अंदर टोटल 6 टॉपिक्स हैं, तो हमने कोशिश करनी है खत्म हो जाए आज। बैचिंग ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है? व्हेन बिजनेस रिसीव लार्ज नंबर ऑफ रिसीव्ड, इट इज ऑफन गुड आइडिया टू स्प्लिट देम इनटू मैनेजेबल बैचेस ऑफ ट्रांजेक्शन एंड टू प्रोसेस ईच बैच सेपरेटली। मतलब कि हर बैच को सेपरेटली प्रोसेस करें, ठीक है, और बेसिकली नंबर ऑफ रिसीट्स को यहाँ पे स्प्लिट कर लें। हर चीज़ को हम बैच कर रहे हैं, जैसे डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन होती हैं, बहुत सारी हज़ारों लाखों में बड़े बिजनेसेस में ट्रांजेक्शन होती हैं, तो उनको बैचिंग करना जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है। फिर चेकिंग रिसीट फ्रॉम कस्टमर, व्हेन मनी इज रिसीट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर द रिसीट शुड बी मैच्ड विद द इनवॉइस दैट कस्टमर इज पेइंग। ऑब्वियसली ये भी हमें करना पड़ता है, क्योंकि जब क्रेडिट कस्टमर पे करता है, जो इनवॉइस हमने भेजी होती है उसको, उससे हमें अमाउंट कंफर्म करनी पड़ती है, क्योंकि ऑब्वियसली हर कस्टमर का हमें ज़बानी तो नहीं याद होएगा क्या बैलेंस होएगा, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है। अब देख लेते हैं कैश बुक की बात करें। अगेन, कैश बुक में भी आपको याद है दो चीज़ें होती हैं, एक तो पेमेंट साइड होती है और एक रिसीट साइड होती है, ठीक है। तो कैश बुक आपको पता है बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, या भी ये चीज़ लिखी हुई है। सो कैश बुक इज समटाइम्स केप्ट इन टू सेपरेट वॉल्ट। अगेन, रिसीट भी होती है इसमें और पेमेंट भी होती है, मतलब दो, एक ही कैश बुक में दो कॉलम भी हो सकती हैं और दो अलग अलग कैश बुक भी हो सकती हैं, सही है। अब पर्पस क्या है इस कैश कैश रिसीट्स का? रिसीट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, एक तो क्रेडिट कस्टमर से जब रिसीट आएंगे हमें वो हम रिकॉर्ड करेंगे। सेकेंडली, ऑल अदर रिसीट्स इंक्लूडिंग दोज कैश सेल, कैश सेल और क्रेडिट सेल से जो हमें रिसीट्स आएंगी वो कहाँ पे रिकॉर्ड होंगी? सेल सॉरी कैश बुक की रिसीट साइड के अंदर, ठीक है। ईच पेमेंट बाय क्रेडिट कस्टमर मस्ट बी रिकॉर्डेड इंडिविजुअली, रिसीट्स फ्रॉम कैश सेल कैन बी रिकॉर्डेड एज ए टोटल, सही है। तो हर कस्टमर की बेहतर ये रहता है कि आपने रिसीट अलग से रिकॉर्ड करनी है, ठीक है जी। कैश बुक जो आप देखते हैं इस तरह की लगती है, और इसमें बेसिकली सारी हम कंटेंट्स जो है फिल करके कैश बुक पूरी करते हैं, ठीक है। अच्छा, एंटरिंग रिसीट्स इन द कैश रिसीट बुक, पहले तो डेट हमें लिखनी पड़ती है। ये बेसिकली इन्हीं आइटम्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये जो कॉलम्स हैं बने ना, डेट, रेफरेंस वगैरह। रेफरेंस में हम लिख सकते हैं या तो याददाश्त के लिए कि या तो कस्टमर का कोई अकाउंट नंबर लिख सकते हैं, इनवॉइस नंबर लिख सकते हैं, कस्टमर का शॉर्ट फॉर्म में नाम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है, टोटल अमाउंट ऑफ रिसीट इज एंटर्ड इन द टोटल कॉलम, सही है। फिर रिसीवेबल्स लिखा है, इफ रिसीट इज अ पेमेंट बाय क्रेडिट कस्टमर द टोटल अमाउंट ऑफ रिसीट शुड बी एंटर्ड इन द रिसीवेबल्स कॉलम, देर इज नो नीड टू सेपरेट द अमाउंट ऑफ द पेमेंट दैट इज फॉर सेल्स टैक्स। अगेन, सेल्स टैक्स के यहाँ पे मैंने आपको बताया था रिसीवेबल और पेबल में ग्रॉस अमाउंट रिकॉर्ड की जाती है विद सेल्स टैक्स, ठीक है। तो पॉइंट्स मैंने आपको करवाए हैं पहले। रिमेंबर, सेल्स टैक्स ऑन क्रेडिट सेल इनवॉइस इज ओनली रिकॉर्डेड वंस इन सेल्स डे बुक, इट इज नेवर रिकॉर्डेड अगेन इन कैश रिसीट बुक। तो मतलब सेल के अंदर हम इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ एक ही दफा पेबल या रिसीवेबल में हम इसको डालते हैं, सही है। फिर कैश सेल हो गया, फिर सेल्स टैक्स हो गया, तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। अगेन, थियोरेटिकल चैप्टर्स होते हैं वो मोस्टली इसी तरह के बोरिंग ही होते हैं, बट अगेन कवर तो हमने करने हैं इनको, ठीक है। फिर अदर में देख लेते हैं, बिजनेस माइट ओकेजनली रिसीव मनी फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज इंटरेस्ट ऑन अ बैंक डिपॉजिट अकाउंट और रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम अ बैंक लोन, तो उसको हो सकता है सिर्फ क्रेडिट कस्टमर से पेमेंट ना आए, और जरियों से भी उसको आ सकती है, ठीक है, सही है। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी हुई है, इसको भी एक नज़र देख लेते हैं। सबसे पहले, पेमेंट ऑफ इनवॉइस नंबर 69 बाय BL लॉरीज, टोटल कितना है इसका? 4,700। तो ये देखें, यहाँ पे हमारे पास टोटल लिखा हुआ है, सही है। उसके बाद पेमेंट ऑफ इनवॉइस नंबर 70 बाय MA मीटर्स, टोटल इसका कितना है? 2820, 2820, ठीक है, इसका भी यहाँ पे लिखा है टोटल। अब ये रिसीवेबल्स में क्यों लिखा हुआ है? शो करने के लिए कि ये क्रेडिट सेल थी, कैश सेल नहीं थी, इन दोनों को यहाँ पे इसने अलग किया हुआ है, सही है। उसके बाद पेमेंट ऑफ टैंक टॉप लिमिटेड, टोटल 3,100, तो यहाँ भी 3,100 लिखा है, किधर? रिसीवेबल में, क्योंकि ये क्रेडिट सेल थी, कैश सेल का यहाँ पे कोई नाम निशान नहीं था, ठीक है। आखिरी वाली कैश सेल लिखी है 1,200 की, इसमें सेल्स टैक्स जो है 20% का इंक्लूड हुआ है, तो ये सेल्स टैक्स हमने अलग से लिखना है, ठीक है। सेल्स में 1,000 लिखना है, क्योंकि सेल में सिर्फ हमारी नेट अमाउंट जाती है, और टोटल जो हमें मिले हैं रिसीवेबल या पेबल से वो 1,200 है, ठीक है, सही है। इस तरह की हमारी कैश रिसीट बुक होती है।
उसके अलावा आगे आ जाते हैं मैनुअल नॉमिनल लेजर एंड रिसीवेबल लेजर, इसको भी पढ़ लेते हैं। यूज ऑफ प्राइमरी रिकॉर्ड्स, वी डू नॉट एंटर ऑल ट्रांजेक्शन इन द लेजर एज एंड वेन दे अराइज इन बिजनेस विद मनी ट्रांजेक्शन दैट वुड सून लीड द लेजर बिकमिंग क्लटर्ड। इंस्टेड वी ग्रुप सिमिलर ट्रांजेक्शन टुगेदर इन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में पहले सबके टोटल्स किए जाते हैं और टोटल्स को ले जाया जाता है। हम अलग अलग क्यों नहीं लिखते, क्योंकि ट्रांजेक्शन की तादाद बहुत ज़्यादा होती है इसमें, ठीक है। उसके बाद रिसीवेबल लेजर हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, आपने जो रिकॉर्डिंग देखी थी रिकन्सिलेशन वाली, कंट्रोल अकाउंट रिकन्सिलेशन, उसमें आपने ऑलरेडी देखा हुआ है लेजर, ठीक है। उसमें हम सारे रिसीवेबल वाले अमाउंट्स रिकॉर्ड करे होते हैं, सेल्स हो गया, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, ये सारी चीज़ें, ठीक है, सही है। अच्छा, उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, पोस्टिंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स फ्रॉम द कैश बुक टू द मेन लेजर। अब हमने कैश बुक से उठा के जो अपनी पेमेंट्स और रिसीट्स हैं वो कहाँ पे लेके जानी है, इसको देख लेते हैं। तो कैश बुक इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री, नेक्स्ट स्टेप इज टू रिकॉर्डिंग द रिसीट्स इन इनटू ट्रांसफर और पोस्ट द एंट्रीज इन द कैश बुक टू रेलिवेंट अकाउंट्स, ठीक है। अब टोटल कैश रिसीट, डेबिट दिस टोटल इन द बैंक अकाउंट इफ वन एग्जिस्ट, द कैश एंड बैंक अकाउंट्स इन द कैश बुक मे वेल बी दोज लेजर अकाउंट्स। तो बेसिकली हम करेंगे क्या, क्रेडिट हम कर देंगे कैश को, सही है, और डेबिट हम कर देंगे बैंक को, क्योंकि ज़्यादातर ट्रांजेक्शन बैंक से डील होती हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद रिसीवेबल्स, क्रेडिट द टोटल इन द रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट अमाउंट्स रिसीव फ्रॉम इंडिविजुअल कस्टमर। ये भी आपको याद है, रिसीवेबल अकाउंट में कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो होता ये है कि डेबिट बैंक मतलब पैसे हमें मिल जाते हैं और क्रेडिट हम करते हैं रिसीवेबल्स को, ठीक है। फिर कैश सेल्स, ये डिफरेंट चीज़ें इसने यहाँ लिखी हुई हैं। कैश सेल्स में हम क्या करते हैं, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं और कैश हमें उसी वक्त मिल जाती है। तो डेबिट कैश क्रेडिट सेल्स। सेल्स टैक्स का हमने रूल पहले पढ़े हैं कि कहाँ पे ग्रॉस अमाउंट है, कहाँ पे नेट अमाउंट है, सही है। इसके अलावा ये भी एग्जांपल है, नॉट रेलेवेंट ओवर हेयर, ये भी आप टॉपिक पढ़ लीजिएगा, कैश बुक कंटेनिंग मेन लेजर अकाउंट्स। मैं चीज़ें इसके ज़्यादा जल्दी स्किप इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मैं करवा रहा हूँ जो एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बंदा कॉमन सेंस से समझ ही सकता है, ठीक है। अब कैश पेड इनटू डायरेक्टली इनटू बैंक अकाउंट, ये भी देख सकते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बाय मीन्स ऑफ बैक्स पेमेंट, ये हमने पढ़ी थी जब हम वो बैंकिंग वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। तो ये होता है बैंक ऑटोमेटेड क्लियरिंग सिस्टम, बैक्स होता है, BACS, ठीक है। और सेकेंडली स्टैंडिंग ऑर्डर रिसीट्स, इससे भी हमें मिल सकती हैं कैश बैंक के अंदर, ठीक है। इफ बैंक स्टेटमेंट कंटेन्स प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड रिसीव, द प्रोसीड्स आर मच एज सेम एज डिस्क्राइब्ड ऑलरेडी फॉर रिसीट बाय चेक, ठीक है। ये स्टेप भी आप पढ़ लीजिएगा, ये भी एक नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कैश बुक की डिटेल लिखी हुई है, देख लेते हैं। कैश पेमेंट बुक इज अ लिस्ट ऑफ ऑल पेमेंट्स मेड बाय बिजनेस बैंक अकाउंट, बाय चेक एंड बाय अदर मेथड सच एज बैक्स। देर हैज टू बी अ सोर्स डॉक्यूमेंट फ्रॉम विच द डिटेल ऑफ पेमेंट कैन बी कॉपीड इन टू द कैश पेमेंट बुक। इट इज यूजली कन्वीनियंट टू प्रिपेयर अ लिस्टिंग ऑफ पेमेंट्स टेकिंग डिटेल्स फ्रॉम द चेक इटसेल्फ एंड द इनवॉइस, चेक रिक्विजिशन और एक्सपेंस क्लेम फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ भी बेसिक कॉमन सेंस की बातें हैं कि कैश बुक में से हम कहाँ से उठाएंगे। तो कैश बुक में जो है वो ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं, पेमेंट डेट, ये देखें ये कैश बुक हमारी बनी हुई है, ठीक है। उसका एक लीफ जो होता है इस तरह का दिखता है। फिर चेक नंबर, डिटेल्स ऑफ हु द पेमेंट इज टू, इन केस ऑफ क्रेडिट सप्लायर पेबल लेजर के कंट्रोल अकाउंट नंबर क्या है हमारे पास, टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट, एनालिसिस कॉलम्स शोइंग द नेचर ऑफ पेमेंट फॉर पर्पज ऑफ पोस्टिंग डिटेल टू मेन लेजर, ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती हैं। अ मेमोरेंडम कॉलम टू शो एनी अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट रिसीव्ड, इसको भी हमने देखना होता है, सही है, ठीक हो गया, ओके। अब ये भी आपने पढ़ना है खुद, ठीक है, कि कैश बुक जो होती है वो हमारी पेमेंट बुक कंप्लीट कैसे होती है। अगेन वही कॉलम्स, आई डोंट नो बार बार वो क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऊपर हम देख चुके हैं पहले इनको, ठीक है। टोटल भी करना होता है हमने बाद में। उसके बाद आ जाते हैं पोस्टिंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम कैश पेमेंट टू द नॉमिनल लेजर, ठीक है। अच्छा, मुझे जस्ट 2 मिनट दें, सही है, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं, जस्ट 2 मिनट्स।
चलिए जी, बस दो तीन चीज़ें रह गई फिर इसको ख़त्म करते हैं। कोई अभी तक इतना खास मकसद नहीं है चैप्टर का, जस्ट हमने फॉर्मेलिटी के तौर पे पूरा करना है ताकि हमारा सिलेबस पूरा हो जाए। उसके अलावा देखते हैं कैश बुक एज ए नॉमिनल जनरल लेजर अकाउंट एंड अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो व्हेन कैश बुक कंटेन्स लेजर अकाउंट्स ऑफ कैश एंड बैंक एज वेल एज बीइंग बुक ऑफ प्राइम एंट्री, द कैश रिसीट साइड ऑफ कैश बुक इज द डेबिट साइड ऑफ मेन लेजर अकाउंट। ऑब्वियसली लेजर साइड पे डेबिट साइड प्लस होती है, क्रेडिट साइड माइनस होती है। सिंस कैश बुक इज मेन और नॉमिनल जनरल लेजर अकाउंट एज वेल एज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री, देर इज नो नीड टू पोस्ट ट्रांजेक्शन फ्रॉम द टोटल कॉलम टू मेन लेजर अकाउंट। ये क्यों नहीं करने पड़ते हमें लेजर अकाउंट में पोस्ट, क्योंकि कैश बुक जो है वो बेसिकली एक टी अकाउंट भी ट्रीट होती है और बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी ट्रीट होती है। सही है, तो कोई जरूरत नहीं पड़ती कि टी अकाउंट में अलग से हम इसके बैलेंसेस ले जाएं। फिर पोस्टिंग डिटेल ऑफ कैश पेमेंट टू द पेबल लेजर, इसको भी देख लेते हैं। व्हेन पेमेंट इज मेड टू सप्लायर द डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन मस्ट बी पोस्टेड टू द सप्लायर अकाउंट इन द पेबल लेजर। सही है, ये भी पढ़ा हुआ है हमने, सो दैट अकाउंट कैन बी केप्ट अप टू डेट। सिमिलरली डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो भी सप्लायर अकाउंट में करेक्टली रिकॉर्ड होने चाहिए। ठीक है, डिटेल ऑफ पेमेंट टू इंडिविजुअल सप्लायर एंड ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड शुड देयर फॉर बी पोस्टेड फ्रॉम द कैश पेमेंट बुक टू द रेलिवेंट सप्लायर अकाउंट इन द पेबल लेजर। ये भी वही रेपिटेशन कर रहा है सब बातों की। अब फॉर ईच ट्रांजेक्शन इन कैश पेमेंट बुक शोइंग अ पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर द पोस्टिंग विल बी, तो जो पेमेंट जब हम करते हैं तब एंट्री हमारी ये होती है, डेबिट द सप्लायर अकाउंट इन पेबल लेजर और डेबिट द सप्लायर अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑफ द डिस्काउंट रिसीव, अगर डिस्काउंट यहाँ पे इन्वॉल्व है तो। इसकी एंट्री हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, क्या होती है डेबिट पेबल और क्रेडिट परचेज। फिर अगर कोई सेटलमेंट डिस्काउंट भी इन्वॉल्व हो डिस्काउंट रिसीव, तो उसमें क्या होता है पेमेंट के वक्त वो मिलता है तो क्रेडिट हम करते हैं कैश। ठीक है, सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया है, क्रेडिट होता है पेबल और डेबिट होती है परचेज। ठीक है, ये नॉर्मल एंट्री होती है। और जब इसको ख़त्म करना होता है पहले हम पेबल को ख़त्म करते हैं डेबिट पे, ठीक है, और डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम होती है तो उसको हम क्रेडिट पे लिख देते हैं। तो मेनली सारी बातें हमने पहले पढ़ी हुई हैं, जस्ट इसमें एक दफ़ा रिविजन हो रही है हमारी। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी इसने आप पोस्ट किए, इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल, क्योंकि एग्जाम में आपको बिल्कुल इस तरह का सवाल नहीं आने वाला। ठीक है, ये दोनों लास्ट चीज़ें ये करते हैं फिर। कंप्यूटराइज रिकॉर्ड्स इन बिजनेस दैट यूजेज इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड आपको याद है हमने लास्ट क्लास में देखा था, जब आप जहाँ पे आप एक एंट्री करें एक बटन दबाएं तो सारे रिकॉर्ड्स में वो अपडेट कर देते हैं। और सिंपली अ कंप्यूटराइज कैश बुक द इफेक्ट इज सिमिलर टू द यूज ऑफ थ्री कॉलम कैश बुक। ईच ट्रांजेक्शन दैट इज पोस्टेड टू द सिस्टम लीड्स टू द ऑटोमेटिक कम्प्लीशन ऑफ द डबल एंट्री। कैश एंड बैंक अकाउंट्स आर पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। रिमेंबर दैट वेदर अ बिजनेस यूजेस कंप्यूटराइज और मैनुअल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, इट नीड्स टू रिकॉर्ड एंड रिटेन सेम इन्फॉर्मेशन। यूजर्स ऑफ कंप्यूटराइज रिकॉर्ड्स देयर फॉर नीड टू बी फेमिलियर विद हाउ इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड सो दैट दे अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन दैट दे आर यूजिंग। फॉर एग्जाम्पल डेबिट्स मे बी प्रेजेंटेड एज पॉजिटिव एंड क्रेडिट्स मे बी प्रेजेंटेड एज नेगेटिव, जो कि माइनस है। ठीक है, ये भी कंप्यूटराइज रिकॉर्ड में है कि हमें यूजर को सही इन्फॉर्मेशन देनी है, डेबिट क्रेडिट का ख्याल रखना है। ठीक है, उसके अलावा ऑथराइजिंग एंड मेकिंग पेमेंट इज ऑब्वियसली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट पेमेंट्स आर ओनली मेड फॉर जेन्युइन गुड सर्विसेज एंड एक्सपेंसिज इनकर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। देयर फॉर इफ चेक रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट ऑफ एन आइटम देर मस्ट बी सफिशियंट एविडेंस ऑफ आइटम एग्जिस्टिंग, मतलब कि एक्चुअल उस आइटम की नीड होनी चाहिए बिजनेस के अंदर। ऐसा नहीं कि कोई डायरेक्टर जो है वो ऐसी फ्रॉडोनेटली अपने लिए अपने अकाउंट में वो भेज रहे, फॉल्स परचेज उसको कह के। ठीक है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में ऑल्सो जनरेट पेमेंट्स इन फॉर्म ऑफ ऑटोमेटेड डायरेक्ट पेमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिकली प्रोड्यूस चेक पेमेंट्स टू सप्लायर एंड अदर ओल्ड मनी बाय बिजनेस। इन दी सिचुएशन इट इज वाइटल दैट सूटेबली ऑथराइज पर्सन, के कोई सीनियर बंदा हो, सीनियर मैनेजर हो, वो रेगुलरली रिव्यू करे एंड अप्रूव ट्रांजेक्शन। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट एनी पेमेंट्स मेड इन वट एवर फॉर्म दे टेक आर सब्जेक्ट टू अप्रोप्रिएट चेक्स एंड कंट्रोल्स टू कन्फर्म दे आर वैलिड पेमेंट्स। ऑब्वियसली यहाँ पे चेकिंग की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। आई वुड से अ वेरी ब्लेटेंट एंड बोरिंग चैप्टर, बट इसमें बस थ्योरी ही है जो आपने एक दफ़ा समझ लेनी है। ठीक है, कुछ भी इसके अलावा यहाँ पे नहीं है। ठीक है जी, तो ऐसी कोई चीज़ जो आपको समझना ही हो, ऑब्वियसली सारी चीज़ हमने पहले पढ़ी हुई है, डबल एंट्री ये वो। ठीक है, तो कोई ऐसी कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता दें, फिर हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर। ओके, अब ऐसा करते हैं कि
3-4 मिनट्स की ब्रेक लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इनके क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है।